कपिल के साथ नया शो शुरू करने वाली एक्ट्रेस बोली, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। नेहा के एंटरटेनमेंट की रात शो में दिखने के बाद ऐसी खबरें आई कि नेहा ने कपिल शर्मा के शो से नाता तोड़ लिया है। जब नेहा से फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो के बारे में पूछा गया तो नेहा ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। एक्ट्रेस और कॉमेडियन नेहा पेंट से कपिल शर्मा के नए फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा में दर्शकों को गुदगुदाते हुए नजर आई थी। नेहा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने नए कॉमेडी शो के बारे में खुलकर बात की। जब नेहा से कपिल शर्मा के शो के बारे में सवाल किया गया तो नेहा कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। चैनल की ओर से फोन कॉल का नेहा को भी इंतजार है। अभिनेत्री ने हाफ पेंट से कपिल शर्मा के शो के बाद सोनी के ही एक अन्य कॉमेडी शो एंटरटेनमेंट की रात का हिस्सा बन गई हैं। शो ने नेहा के साथ सौम्या टंडन, आरजे अभिलाष, बलराज और चाइल्ड आर्टिस्ट दिव्यांश जैसे अन्य कई कलाकार भी शामिल हैं। नेहा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुश हूं कि मैं हर रोज कुछ नया सीख रही हूं। मैं इस बात से भी खुश हूं कि मैं कॉमेडी के जॉनर में आई, हालांकि मैं टाइपकास्ट नहीं हूं। मैं अभी भी अपने कैरेक्टर के साथ कुछ नया करती रहती हूं। जब नेहा से कपिल के शो के बारे में सवाल किया गया तो नेहा ने कहा, मैं उन्हें कपिल शर्मा को बेहद पसंद करती हूं। इसके साथ ही जाकिर खान और भारती सिंह भी मेरे फेवरेट हैं। सभी का अपना एक तरीका है, तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए है। नेहा के एंटरटेनमेंट की रात शो में दिखने के बाद ऐसी खबरें आई कि नेहा ने कपिल शर्मा के शो से नाता तोड़ लिया है। जब नेहा से फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो के बारे में पूछा गया तो नेहा ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। यह बेहद निराश करने वाला है कि हमने एक बैंक के साथ शुरुआत की थी, लेकिन मैं अभी भी शो के इंतजार में हूं। उम्मीद है कि चैनल जल्द ही फोन करेगा और हम एक नया सिनेरियो के साथ दर्शकों के सामने आएंगे। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधी हुई हूं और कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाएगा मैं वापस शो में चली जाऊंगी। एंटरटेनमेंट की रात शो में कुछ समय के लिए ही हूं।